लिस्ट है, एक चैप्टर क्लास 9th का जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, बेसिकली यहाँ से दो चीज़ें आपको देखनी होंगी कि टिश्यू क्या है, वो टिश्यू जो है वो क्या है, और जो है आपको टिश्यू क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो टिश्यू जो होता है अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड होता है, सेल्स से ज़्यादा इसके पास एबिलिटी होती है क्योंकि ये पर्टिकुलर काम करने लगते हैं। और एक चीज़ और होती है कि सेल्स जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, जिस चीज़ से जिन सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उन सबकी ओरिजिन जो होती है वो कॉमन होती है। इसी वजह से कहा जाता है टिश्यू इज़ द स्ट्रक्चर, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल विच इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज़ कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो आगे जो है वो बुक से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि टिश्यू के इंट्रोडक्शन में आखिर कौन सी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में पढ़नी है, आपको कौन सी चीज़ें जो है वो कितने टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है वो प्लांट्स में पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है वो एनिमल में भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक चैप्टर है थोड़ा सा। चले लेट्स डिस्कस फॉर टुडेज़ क्लास। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन ऑल ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू की अगर डेफिनेशन देखी जाए कि व्हाट इज़ टिश्यू, तो टिश्यू क्या होता है कि सेल्स का ग्रुप होता है जिसकी ओरिजिन जो है वो सिमिलर होती है और वे एक फंक्शन को करते हैं। ठीक है, उसी को टिश्यू कहा जाता है। अब टिश्यू जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, एनिमल में जो है वो 4 टाइप के टिश्यू हैं, प्लांट्स में जो है वो 2 टाइप्स के टिश्यू हैं। तो ये जो स्पेशलिटी है और ये जो डिवीज़न हुआ है टिश्यू का, वो इस वजह से हुआ है ताकि हमारे बॉडी में जो काम है उसका डिवीज़न हो सके और सारे काम जो है वो स्मूथ तरीके से हो सके। अब आप इमेजिन करें कि ये आपका जो स्टमक है, स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है, लेकिन इस स्टमक में एक टिश्यू ऐसा होता है जो स्टमक की प्रोटेक्शन करता है, मसल्स बनाता है, जिसको कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक टिश्यू ऐसा है जो जो स्टमक तक ब्लड पहुंचाता है, जिसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक टिश्यू ऐसा है जो मैसेजेस को स्टमक से लेकर के ब्रेन तक लेके जाता है, वो होता है आपका नर्वस टिश्यू। एक टिश्यू होता है जो स्टमक की लेयर्स बनाता है, प्रोटेक्शन करता है, जिसको कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये जो स्टमक है, इस स्टमक में ही आपके 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। मस्कुलर हो गया मूवमेंट कराने के लिए, कनेक्टिव हो गया ब्लड के लिए, ठीक है, और एपिथीलियम हो गया प्रोटेक्शन के लिए, और एक हो गया आपका लास्ट वाला नर्वस टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि आपके स्टमक में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है, और सारे जो होते हैं अपना अलग अलग काम करते हैं। इस वजह से बॉडी में एक डिवीज़न हुआ है, एक पार्टीशन हुआ है, जिसको डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है, काम का डिवीज़न। हमारी बॉडी में इतने सारे काम हैं, डाइजेशन से लेकर के एक्सक्रीशन तक सारे काम जो हैं वो डिवाइड हैं, बता दिए गए हैं बॉडी को कि इस बॉडी पार्ट का ये काम है, इस बॉडी पार्ट का ये काम है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स, ये जो ऑर्गन्स बने हुए हैं, वो बेसिकली जो होता है टिश्यू से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ में क्या देखते हैं हम कि सेल हो गया, सेल से क्या हुआ है, सेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉडी बनी हुई है, और क्या बना है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बना हुआ है, टिश्यू सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होता है, बॉडी फॉर्म हो जाती है। ठीक है।